नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जानकारी दी जाती है, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब से भी रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो इंडियन नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट निकाली है बीटेक एंट्री के लिए, उसके बारे में। दोस्तों मैंने जो भी वीडियो बनाई है जॉब से रिलेटेड, उसमें मैंने हर वीडियो में कहा है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो पहले उसकी नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि बाद में नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते हो इंडियन आर्मी निकाल रखे, तो नो डाउट गवर्नमेंट का ही है, लेकिन यहाँ पे है क्या, फीस जीरो लगेगी, कुछ भी आपकी इसमें फीस लगने वाली नहीं है। और यहाँ पे जो अगर बात करें एप्लीकेशन बिगिन होगा, एप्लीकेशन शुरू होगा 29 तारीख से। वही इसकी बात करें तो जो पोस्ट आई है वो 15 जनवरी यानी कल ही ये रिलीज हुआ है, शाम के रात के टाइम में 10 बजे के आसपास ही। तो आज होगी 16 तारीख, आज मैं वीडियो बना के आपको डाल रहा हूँ पूरा, ताकि आप अगर बात करो यहाँ पे जो एप्लीकेशन बिगिन है 29 तारीख, तो पहले ही आप उसके लिए जो अपनी रजिस्ट्रेशन करके रख लो, सेव कर लो, वहीं जब शुरू हो जाए आपकी एप्लीकेशन के लिए तो 29 तारीख के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। 9 तारीख तक ज्यादा इन्होंने टाइम दिया नहीं है, 29 तारीख सुबह और 9 तारीख तक ये खत्म, यानी अगर बात करें तो ये 10 दिन का ही लगा लो, 10-11 दिन का ही लगा लो कि उसी पीरियड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रश ज्यादा होने वाला, ट्रैफिक ज्यादा होने वाला है, तो मैं पहली सजेशन कर रहा हूँ कि पहले ही आप उसको रजिस्टर कर लो, अपना पूरा जो ब्योरा वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरी की पूरी उसको फिलअप कर लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो ये लगेगा ना, फीस बिल्कुल भी नहीं लगने वाली यहाँ पे। पीसीएम आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे प्लस टू आपने करी होनी चाहिए, डिप्लोमा करने वालों के लिए कुछ है नहीं, ये अप्लाई नहीं कर सकते डिप्लोमा करने वाले, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे मांग रहे हैं ओनली वैलिड फॉर जेई मेन 2020 स्कोर, एडवांस भी नहीं, जेई मेन का मांग रहे हैं कि आपने 2020 में जेई मेन का पेपर दिया हो, उसका आपके पास रैंकिंग आई हो, उसको निकाल लेना, क्योंकि उसको आपको पुट करना पड़ेगा, वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। एज लिमिट की बात कर, एज लिमिट में थोड़ा लगा दिक्कत, क्योंकि अगर बात करें 2002 से 2004 के बीच में बोर्न होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों इसकी, तो यहाँ पे 16 साल से 18 साल 19 साल तक की जो एज लिमिट होनी चाहिए, जो कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा इसको बढ़ा सकते थे, बट खैर अब चलते हैं वैकेंसी पोस्ट के बीटेक के लिए। अब तो यहाँ पे अगर बात करें बीटेक की, तो यहाँ पे जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको केरला में वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे केरला में एज ए क्रेडिट इनसे बीटेक कराई जाएगी, और वहाँ पे जो सर्टिफिकेट आएगा, जो डिग्री आएगी, वो जेएनयू की तरफ से, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरा पोस्ट, पूरा ओरिजिनल आपको डिग्री मिलेगी। अब ब्रांच अगर बात करें एजुकेशन ब्रांच की बात करें तो 5 पोस्ट, और एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो 21 पोस्ट। अगर बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जेई मेन के लिए सबसे पहले तो ये हो गया, और यहाँ पे ये जो प्लस टू है वो पीसीएम से होना चाहिए, और 70% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए इनमें। अगर बात करें यहाँ पे इसका मिनिमम 10th और प्लस टू में आपकी जो इंग्लिश में है वो 50% मार्क्स होने चाहिए थे। मेरे को थोड़ा ये लगा कि इंग्लिश का ही क्यों यहाँ पे हिंदी भी कर सकते थे, पर खैर छोड़ो। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे क्लिक कर डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हो, मैंने पहले ही कर रखा है, तो ये चीज है। अब दोस्तों यहाँ पे अब चलते हैं थोड़ा जो मेन है, मेन यहीं पे ही है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट, क्योंकि भैया प्लस टू तक है, कोई वो शादी करके तो बैठेगा नहीं कोई बंदा, ठीक है। और यहाँ इंडियन नेवल एकेडमी आपको भेजा जाएगा यहाँ पे एजिमाला केरला में 4 साल की बीटेक की डिग्री के लिए। अब यहाँ पे आपकी पोस्ट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पे क्या दोस्तों ओनली एक कैंडिडेट एक एप्लीकेंट फिल कर सकता है, और आप यहाँ पे दोनों के लिए फिल कर सकते हो, एजुकेशन ब्रांच हो या फिर एजुकेटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, दोनों के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एज ग्रुप का भी बता दिया मैंने आपको, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या दोस्तों, यहाँ पे प्लस टू पास होना चाहिए विद 70% ऑफ मार्क्स इन पीसीएम, और यहाँ पे अगर बात करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में, वो आइदर इन क्लास 10th और 12th। हु कैन अप्लाई, अब कैंडिडेट हु अपीयर इन जेई मेन, यानी कि आपको बता ही दिया कि जेई मेन 2020 में आपने पेपर दिया हो, उसका आपके पास मार्क्स आए हो, और यहाँ पे कॉल आउट फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन बोर्ड क्या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो नेवी वगैरह जो आर्मी में होती है वहाँ पे कंडक्ट कराती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जो एसएसबी के थ्रू ही होता है।
और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक देना पड़ेगा एनटीए का, जो एनटीए ने पब्लिश किया होगा, जेई ने, एनटीए ने अगर दोस्तों अगर बात करें एनटीए ने जेई का एग्जाम कंडक्ट कराया और उसने जो रैंक आपकी आई होगी ये ऑल इंडिया रैंक, उसको आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ेगी उसके बिना उसके आप अगर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने जेई का पेपर नहीं दिया है तो। मेडिकल दोस्तों स्टैंडर्ड्स आप जाके यहाँ पे इसकी वेबसाइट में देख सकते हो, वैसे तो मैं अगर बात करें तो यहाँ पे 153 आई थिंक 157 आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, बाकी आपकी मेडिकल वगैरह आप यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है उसमें जाके देख सकते हो। मैं अगर इसमें थोड़ा डीपली चलाऊंगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी ये बन जाएगा। प्रमोशन की बात करें तो परमेश्वर बोनस सब लेफ्टिनेंट टू कमांडर इन ऑन टाइम स्केल, ये तो बात की बात है जब सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद पे एंड एलोन दोस्तों यहाँ पे सब कुछ देगा। और दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात ये है कि एक तो ये है कि जो इंश्योरेंस है 1 करोड़ का वो करा के देगी एज पर रूल्स, आपको रूल्स पढ़ सकते हो, लीव का हो गया, स्पोर्ट एडवेंचर आप एक एडवेंचर या फिर स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो अपने उसमें, क्योंकि जैसे आपको पता दोस्तों क्योंकि बहुत से लोग अगर बात करते हैं आप जो आर्मी में होते हैं वो ओलंपिक्स में भी जाते हैं अगर उनका स्पोर्ट्स में अच्छा वो बन जाता है तो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एस यू की मॉडल ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑल इंडिया रैंक हो गया दोस्तों, यहाँ पे जेई का हो गया, यहाँ पे एस एस यू इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी, शॉर्टेज कैंडिडेट विल बी शेड्यूल एट द बैंगलोर भोपाल कोलकाता फ्रॉम मार्च जून 21, तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको ये शॉर्टलिस्ट करेगी, कौन करेगी, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बॉडी ये शॉर्टलिस्ट करेगी आपको। और यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों कितना कट ऑफ होगा वो वही खुद ही डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तक बात करें इसमें जो साइट है उसमें दे नहीं रखा कि कितना कट ऑफ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एसएसबी के लिए जो इंटरव्यू के लिए जो होगा उसमें SMS के जरिए या फिर अगर मोबाइल नंबर या ईमेल ऐड करिए आपका वो ठीक देना चाहिए, ठीक दो पूरा परमानेंट हो जो वो दो जो चल रहा हो वो दो, अगर गलत हो गया तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। एज यू कैन सी टू स्टेजेस में हो गए दोस्तों, अगर बात करें तो इंटरव्यू होगा वो टू स्टेज में, पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, पिक्चर परसेप्शन और ग्रुप डिस्कशन, ये तो मेनली सब में होता है अगर आप किसी आर्मी के उसमें जाओ तो। कैन यू हू फेल टू अप्लाई ऑन स्टेज वन विल बी उसी दिन उसको भगा देंगे, उसी दिन उसको वापस कर देंगे। सेकेंड स्टेज की बात करें साइकोलॉजी टेस्टिंग और ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टेस्टिंग होगा, इंटरव्यू होगा जो कि 4 दिन तक चलेगा। अब उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसका मेडिकल टेस्ट होगा 3 से 5 दिन के अंदर ही। अगर बात करें तो जो वेन्यू है आप चेंज करना है तो वेन्यू चेंज नहीं हो पाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ अगर बात करें ट्रेनिंग की, कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द ये SSB रिकमेंड करेगी, ये कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है जो SSB ऑर्गेनाइजेशन पहले आपको बता दिया, मेडिकल फिट है पूरा अच्छी तरह तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा इंडियन नेवल अकेडमी अजीमला केरला में, बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी के बेस पे। ऑल इंडिया मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर SSB मार्क्स के अनुसार ही होगा, सिलेक्शन विल बी कैंडिडेट एज अ कैडेट फॉर अ 4 ईयर्स बीटेक वंस अप्लाइड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन सी सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जो कि आपको नेवी में जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर बात करें यहाँ पे सिविल की तो जरूरत नहीं है इसमें, उनको मैंने कोर्सेज डिवी टाइप की अवॉर्डेड बाय द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देख सकते मैंने आपको पहले बोला है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बीटेक डिग्री दी जाएगी जो कि अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो एक जो कि अच्छी बात है कि इंडियन नेवी आपको ही जो खाने का हो गया, ट्रेनिंग का जो कॉस्ट हो गया, आपके बुक्स होगा, मटेरियल का होगा, इवन आपके जो क्लोथिंग होगा वो सब इंडियन नेवी के थ्रू ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको उसमें कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 29 से शुरू है, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए आपकी जो पूरी की पूरी जो डिटेल्स वगैरह हुई आपको अच्छी तरह फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपकी इसमें गलत होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा आप स्कैन जो कैफे वहाँ पे जाके फिलअप कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग होते जो फॉर्म फिलअप कराते हो वहाँ पे जाके फिलअप कर लेना वहाँ पे, क्योंकि इसमें है कि अगर थोड़ा सा भी अनरीडेबल आ गया तो आपका रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं फोटो खींच के करते, कई बार ऐसा होता है जब फोटो खींच के भेजते हैं और जब क्योंकि हमें कम MB का यानी KB के हिसाब से भेजना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा MB का हम भेज नहीं सकते, तो उसमें आपकी जो पिक्चर होती है या फिर आपकी जो सिग्नेचर होता है वो
फट जाता है, आपकी जो डिग्री होती है वो फट जाता है, उसमें थोड़ा कम दिखाई देता है, तो फिर बाद में वो दिक्कत कर सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो थोड़े उसमें आप जाओगे किसी शॉप में जाके, कैफे में जाके करोगे तो थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन आपका वो कम्प्लीटली पूरा वो कर देंगे, जे JPEG TIFF फॉर्मेट फॉर एच। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने जो टिक की कि कैसे उसको कम करना है, उसके साइज को कम करना है, उसकी मेमोरी को कम करना है, उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ, पिक का हो गया या फिर सिग्नेचर का हो गया, आप जाके वो देख सकते हैं फॉर यूट्यूब पर्पज के लिए, फॉर जो अप्लाई करते गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर प्राइवेट जॉब के लिए, उसके लिए मैंने अप्लाई अप्लाई के लिए जो आपकी पिक है उसको कैसे उसके अंडर लेके आए, और उसकी फोटो भी उसकी फटे ना और इजीली वो दिखाई दे, आसानी से दिखाई, चाहे वो पिक्चर हो चाहे फिर वो सिग्नेचर हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो थैंक यू मच।